हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको यहां पे छोड़ा था। वही बात है, एसेट्स हमारा जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में यहां पे लेना है, एक्सपेंस जिसका बेनिफिट ले चुका, चाहे पेमेंट हुआ चाहे पेमेंट नहीं हुआ, ये बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। आज हम इस बात को आगे बढ़ाने के बाद, इस बात को समझने के बाद, फिर मैं, मेरे बच्चे, मैं आपके पास आऊंगा। आज हम लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम यानी कि रेवेन्यू के साथ जो बातें जुड़ी हुई हैं, हम उनको भी समझेंगे। ये सारी बातें मैंने बताया था, जानबूझ के बोर्ड को मैंने मिटाया नहीं था, ताकि आपको याद रहे कि मैं आखिर क्या किया था पिछली क्लास में आपका। तो मैं अभी इसको छोड़ूंगा, अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी पिछली क्लास में, और इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है ना? सुने मेरी बात। मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि मान लो आपने जो आपका इम्प्लॉय है, अगर उस इम्प्लॉय का हमने पेमेंट कर दिया और आगे कोई हिसाब नहीं रख रहा, तो हम उसके नाम को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और बाकी बातें अब मैं आपको समझाता हूँ बच्चे, क्या निकल के आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरे साथ सुनेंगे आप, मेरे साथ सुनेंगे यहाँ पे। आज फिर से रेडी कीजिए एग्जाम्पल नंबर वन आपका, और मैं बात आज दोबारा वही कहूंगा जहां पे पिछली क्लास में छोड़ा था। टाटा लिमिटेड, आप टाटा लिमिटेड के यहाँ पे आप इम्प्लॉय हैं, और ये महीना चल रहा है मेरे बच्चे अप्रैल का, ये महीना चल रहा है अप्रैल का। मैं मिस्टर ए आपका एक इम्प्लॉय हूं, मैं आपके पास काम करता हूं, मैं आपके पास इम्प्लॉय हूं। ध्यान से मेरी बात सुनना, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, बातें आपको सुननी होंगी ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। पता, मैं जो आपका इम्प्लॉय हूं ना, अब इस बार क्या हुआ कि पूरे अप्रैल के महीने में आपके पास काम किया मैंने, पूरे महीने काम किया, काम करके बोला कि टाटा भैया, टाटा भैया, हमने पूरे महीने काम किया, मेरी सैलरी पे करो ना। हमने कहा कि पूरे महीने काम किया, मेरी सैलरी पे करो ना। तो आपने कहा, ध्यान से सुनना, इस बार क्या हुआ, आपने कहा कि ठीक है मैं आपको पे करता हूं। चलो मैं थोड़ा एक स्टेप पीछे चलता हूं, पिछली क्लास को लिंक करते हुए आपने कहा कि ठीक है मैं पे करता हूं। तो जरा बताओ आपने क्या पे किया था? कैश। कैश कितना पे किया था? मान लो आपका 10,000 कैश। क्या आपका है जी? एक एसेट्स है। और इस पेमेंट के पीछे का रीजन आपने क्या रिकॉर्ड किया था? एक्सपेंस। जरा बताओ उस एक्सपेंस का नाम आपने क्या लिखा था? सर इम्प्लॉय को हम सैलरी पे करते हैं, सैलरी, और कितने से रिकॉर्ड किया आपने? 10,000 से। ये किया था ना, बताओ एंट्री क्या पास हुआ था? एक्सपेंस का बढ़ना हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और एसेट्स का घटना क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो बताइए एंट्री क्या बन गया था? आपने एंट्री में लिखा सैलरी अकाउंट डेबिटेड, सैलरी जो आपका एक्सपेंस है बढ़ना डेबिट होगा, तो आपने सैलरी को 10,000 से डेबिट किया। और मेरे बच्चे कैश जो आपका चला गया, एसेट्स कम हो गया, यानी कि टू कैश अकाउंट, हम इसे क्रेडिट करेंगे, अमाउंट कितना आपका हो गया? 10,000। ये एंट्री मैंने पिछली क्लास में बताई थी, और मैंने कहा था कि देखो ये जो मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए जो है, हम लोग अपनी एंट्री में यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे? क्योंकि अब इनसे, अब या कह दो मिस्टर ए से कोई आपका लेना देना नहीं, लेना देना नहीं। बताओ जरा अब क्यों लेना देना जी? हमने आपसे बेनिफिट ले लिया और हमने आपको पेमेंट कर दिया, हमने आपसे बेनिफिट ले लिया और हमने अगर आपको पेमेंट किया, तो आपके नाम को अब बुक में क्यों रिकॉर्ड करूंगा? क्यों रिकॉर्ड करूंगा जरा बताओ, आप ही बताओ। आप छोड़ो मत विश्वास करो मेरे ऊपर में, आप मुझे बताओ, जब किसी दुकान में आप जाते हो और दुकान से सामान को परचेज करने के बाद, दुकान से सामान परचेज करने के बाद अगर मान लो आपने उसका पेमेंट कर दिया, उस दुकान वाले का पेमेंट कर दिया, तो क्या आप अपने घर में आके उस दुकान वाले का नाम लिखते हो क्या? बोलो बोलो। जब सामान ले लिया और पेमेंट कर दिया, आपने सर्विसेज ले ली, पेमेंट कर दिया, तो क्या उस आदमी के नाम से कोई मतलब होता है क्या? नहीं मतलब होता, नहीं मतलब होता बच्चे। जब हमने बेनिफिट ले लिया और हमने पेमेंट कर दिया, तो फिर उस आदमी के नाम को क्यों रिकॉर्ड करूंगा? उस आदमी के नाम को तब रिकॉर्ड करूंगा जब उस आदमी से अभी आगे आने वाले समय में कुछ लेन देन करना है।
अगर आप दुकान से सामान लेकर आते हैं और क्रेडिट पे लेकर आते हैं, क्रेडिट पे कि हाँ भैया ठीक है सामान दे दो हम बाद में पेमेंट करेंगे, तो आपको अपने घर में उस दुकानदार का नाम लिखना पड़ता है कि हाँ जी मुझे इनका पेमेंट करना है। लेकिन जब पेमेंट कर दिया तो फिर कौन सा वास्ता, कौन सा रिश्ता, क्यों फिर दोबारा आपका चेहरा देखूंगा, क्यों आपके नाम को याद रखूंगा? हाँ तब रखना पड़ जाता है जब आगे अभी कोई लेन देन हमें करना है। मेरे बच्चे इस केस में यानी कि अभी तक के सारे केस में मिस्टर ए जो आपका एम्प्लॉय है, हमने उससे काम लिया, हमने काम लिया जी, एक्सपेंस हो गया और हमने पेमेंट किया, हम उसके नाम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन आज मकसद ये बताना नहीं है, आज मकसद एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको लेके आना है। सुनो जरा, बताओ कौन सा महीना चल रहा है हमारे एग्जाम्पल में, अप्रैल का। आप बताओ कौन हो? तो सर हम टाटा के अकाउंटेंट है, ये लो मैंने आपका चेहरा बनाया, इतना प्यारा आपका चेहरा दिख रहा है यहाँ पे, है ना आपका चेहरा। मैं कौन हूँ? आपका एक इम्प्लॉई, मेरा नाम मिस्टर ए है मेरे बच्चे, मैं आपका इम्प्लॉई। देखो अब मैं बात को कैसे चेंज करूंगा, सुनो जरा सुनो जरा सुनो जरा, मैंने पूरे महीने आपके पास काम किया, पूरे महीने काम किया, पूरे महीने काम करने के बाद मेरे बच्चे मैं आपके पास एंड में आया, बोला टाटा भैया, टाटा भैया पूरे महीने काम किया, मेरी सैलरी पे करो ना, पे करो ना मेरी सैलरी, मैंने पूरे महीने काम किया है। मेरे बच्चे आपने कहा कि देखो मिस्टर ए आपने पूरे महीने काम किया ठीक है, लेकिन अभी पॉकेट में पैसे नहीं है। टाटा ने कहा, मान लो टाटा के पास पैसे नहीं है, भिखारी बन चुका है ये, नहीं है पैसा, तो टाटा ने कहा यानी कि आपने कहा कि देखो जी काम किया तो ठीक है, आपने काम कर दिया समझ में आता है, लेकिन अभी पॉकेट में पैसे नहीं है, कुछ दिनों के बाद आना मैं आपका पेमेंट कर दूंगा, कुछ दिनों के बाद, आज नहीं पे करूंगा। मेरे बच्चे मैंने काम तो कर लिया, काम तो कर लिया, यहां पर आपको एक एंट्री पास करना है, एंट्री पास करना है। जरा बताओ आप यहां पे अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे कि नहीं करोगे, इतना बताओ सिर्फ आप मुझे, सिर्फ इतना बताओ कि अगर मान लो मैंने पूरे महीने काम किया, एंड में आके बोला कि काम किया मेरी सैलरी पे करो, आपने कहा सर काम किया ठीक है बट अभी पैसे नहीं है, कुछ दिनों के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, मुझे बताओ इस दिन पे आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो, मैं पढ़ रहा हूं आपके दिमाग को। सर सर एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा जी? सर क्योंकि पेमेंट ही नहीं किया। अरे पेमेंट करूंगा तब तो एक्सपेंस होगा सर, हमने तो बचपन से यही सीखा हुआ है। लेकिन बात क्यों बचपन की करते हो, अब तो मैं आपको बड़ा बना चुका हूं। अरे अरे जरा बताओ, आप कहते हो कि सर यहां पे एक्सपेंस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्या आपने मेरा बेनिफिट लिया कि नहीं लिया? बताओ जरा, आपने मेरा अप्रैल के महीने में बेनिफिट लिया कि नहीं लिया? सर बेनिफिट तो ले चुके हैं आप, मेरा सर्विसेज ले चुके बच्चे। और अगर आप मेरा बेनिफिट ले चुके हैं, अगर आप मेरा बेनिफिट ले चुके हैं तो आपका एक्सपेंस हो चुका है, एक्सपेंस हो चुका है मेरे बच्चे। आप अपने अकाउंट्स में 10,000 से सैलरी जो कि आपका एक्सपेंस है, आप इसको रिकॉर्ड करोगे, एक्सपेंस हो चुका है। अकाउंट्स कहता है कि भैया अगर आपने बेनिफिट ले लिया तो एक्सपेंस हो चुका है, चाहे पेमेंट हो चाहे पेमेंट ना हो। तो मेरे बच्चे आपने पेमेंट नहीं किया मानता हूं, बट आपका एक्सपेंस हो चुका है क्योंकि आप बेनिफिट ले चुके हो, एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, आपने अकाउंट्स में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, क्या आपने पेमेंट किया? क्या क्या आपने इस 10,000 का जो आपका एक्सपेंस हुआ, क्या आपने इसके बदले में पेमेंट किया? क्या नहीं सर, नहीं हमने पेमेंट नहीं किया सर, अभी पेमेंट नहीं किया सर। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो मेरे बच्चे आपके ऊपर में एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगा, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगा कि भैया मुझे पेमेंट करना है, पेमेंट करना है। और मेरे बच्चे क्योंकि अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, आपको पेमेंट करना है, तो उस केस में अब आपके ऊपर में 10,000 की यहां पे एक लायबिलिटी क्रिएट होगी, लायबिलिटी क्रिएट होगी। क्यों जी? क्योंकि हमने कहा था पिछली क्लास में, याद कीजिए कि ऑब्लिगेशन जब भी आपके ऊपर आएगा तो ऑब्लिगेशन अकाउंट्स में लायबिलिटी के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। मेरे बच्चे आपका एक्सपेंस हो गया क्योंकि आप मेरा बेनिफिट ले चुके हैं। अगर आप पेमेंट कर दिए होते तो आपके पास से कैश चला जाता, क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया तो आपके पास एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। और हाँ, अब इनका नाम हमें यहां पर रिकॉर्ड करना होगा मिस्टर ए, क्योंकि हमें पेमेंट करना है आपको।
यहां तो पेमेंट कर दिया तो फिर आपके नाम को क्यों रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन यहां क्योंकि मैंने अभी तक आपको पेमेंट नहीं किया है तो आपके नाम को मुझे लिखना होगा कि मुझे इनका भी पेमेंट करना है। रिश्ते आपसे अभी खत्म नहीं हुए, आपके नाम को हमें रखना होगा कि हमें इनका पेमेंट करना है। तो मेरे बच्चे आप क्या करना, आप क्या करना, यहाँ पे एक्सपेंस जो है सैलरी हो गया और लायबिलिटी कौन हो गया, मिस्टर ए, जिसका आपने पेमेंट करना है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई सर? हाँ सर हाँ। एंट्री में कन्वर्ट करो, एंट्री में ये देखो आप बताओ एक्सपेंस, एक्सपेंस ओहो अभी लायबिलिटी के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया है क्या? नहीं सर नहीं, आपने नहीं बताया है, नहीं बताया है। तो मैं ना अब आपको पहले ये, अब जैसे हमने इन दोनों के बाद में आपको बारे में हमने आपको ये बताया था मेरे बच्चे, अब मैं इसको हटा के ध्यान देना, बेनिफिट लेना एक्सपेंस होता है, ये मैटर नहीं करता, पेमेंट हुआ चाहे पेमेंट नहीं हुआ, यहां पेमेंट हुआ नहीं फिर भी एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा क्योंकि आप बेनिफिट ले चुके हैं। मुझे अब इसको मिटाना है, अब मुझे इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नजर नहीं आती। मेरे बच्चे पांच वर्ड में एक तो आपका एसेट्स एक्सपेंस हो गया, जो बाकी के नाम बच गए उसमें एक बच गया आपका कैपिटल, कैपिटल एक बच गया आपका यहां पे लायबिलिटी, और एक बच गया आपका यहां पे रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी कि आपने जो कमाए हैं, है ना। पर बच्चे इनके साथ, इनके साथ जब हम बातें करते हैं, सुनो मेरी बात, इनके साथ जो बातें करते हैं, और आप रटना नहीं, इसका भी एक सिंपल तरीका बताऊंगा आपको याद करने का, बस थोड़ा सा सब्र करना मेरे साथ। पता है अगर इनका, जरा बताओ इन दोनों का बढ़ना क्या हुआ था, डेबिट, इन दोनों का बढ़ना क्या हुआ था, डेबिट। मेरे बच्चे इन तीन नामों में से कोई भी चीज अगर आपका इंक्रीज होता है, इनमें से कोई भी चीज अगर आपका इंक्रीज हो गया तो मेरे बच्चे आप इसको करोगे क्रेडिट, ठीक उल्टा, ठीक इनका उल्टा यहां पे जाएगा। कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू, कोई भी कैपिटल होगा, लायबिलिटी होगा, रेवेन्यू होगा, इनमें से कुछ भी बढ़ा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और इनमें से कुछ भी अगर आपका डिक्रीज हो गया, लिख लो आप मेरे साथ यहां पे, तो आप इसे क्या करेंगे, डेबिट आपका। सर ऐसा क्यों होता है, कुछ नहीं बच्चे, ये जैसे आप आपको ये नाम दिया गया है कि जैसे इन दोनों का बढ़ना हम डेबिट कहते थे, तो उसी तरीके से अकाउंटिंग को प्रॉपर रूप में लाने के लिए, अकाउंटिंग को प्रॉपर रूप में लाने के लिए इनका बढ़ना ठीक उल्टा, यहां डेबिट तो क्रेडिट हो जाएगा और यहां घटना क्रेडिट तो यहां पे डेबिट हो जाएगा। रीजन आप चिंता नहीं करना, थोड़ा मैंने कहा पेशेंस रखना, ये बातें आपको याद नहीं करनी, मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे हमेशा के लिए बातें आपके दिमाग में याद हो जाएंगी। फिलहाल बस आप इतनी बातें कर लो कि इनमें से कोई भी चीज बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटना डेबिट होगा। अब देखो ना, मैं इसकी एंट्री बनाना चाहता हूं, ये देखो ये देखो ये देखो, सैलरी यानी कि एक्सपेंस बढ़ रहा है, जरा बताओ एक्सपेंस का बढ़ना क्या होगा, डेबिट होगा। अभी फिलहाल जब तक कि आपको पूरा कमांड ना हो जाए और जब तक कि मैं वो ट्रिक आपको ना बता दूं, तब तक ये चीजें आप पहले रजिस्टर में लिख लेना और इसको देखते हुए एंट्री करेंगे, है ना। तो हमने क्या कही, अब देखो ना लायबिलिटी भी फर्म की बढ़ रही है क्योंकि पेमेंट करना है। मेरे बच्चे लायबिलिटी भी बढ़ रहा है क्योंकि हमें पेमेंट करना है, और जरा देखो यहां पे, देखो यहां पे लायबिलिटी का इंक्रीज करना हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आपने क्या करना है, इसको एंट्री में हमें क्या करना है जी, क्रेडिट करना है। आपको अभी अभी आंखें बंद करके ये स्टडी नहीं करना, आप इसको अपने पास रख लेना और इसको देख के एंट्री में कन्वर्ट करना। आपको एक ट्रिक जब बता दूंगा ये बातें अपने आप दिमाग में याद हो जाएंगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी आप चीजें नहीं भूलोगे, गारंटी दे सकता हूं, ठीक है ना। आप एक काम और भी कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं, आपको ये भी अच्छा रहेगा, इस हाथ में आप यहां पे क्या करो, लिख दो एसेट्स एक्सपेंस बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट, काट के चक्कू से लिखना, चक्कू से। हमारे टाइम पे एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, जिसमें अमिताभ बच्चन के हाथ पे उसके कुछ लोगों ने लिख दिया था मेरा बाप चोर है, तो चोर चोर की बात छोड़ो, आप लिख देना एसेट्स एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट, चक्कू से लिखना, चक्कू से यहां लिखना कैपिटल लायबिलिटी इनकम बढ़ना क्रेडिट, घटना डेबिट आपका। और ये देखते रहना हमेशा, आपको हमेशा याद रहेगा। मन करता है ऐसा करने का, नहीं सर नहीं, कैसी गंदी गंदी बात है, तो फिर ये करो ना, ऐसा बोर्ड भी तो है, रजिस्टर भी तो, उस पर लिख दो, हाथ में क्यों लिखेगा, गजनी मूवी थोड़े कि भुलक्कर है कि भूलेगा, ऐसे लिख दो, वही काम किया। आओ एंट्री में कन्वर्ट करते हैं, एंट्री में कन्वर्ट करते हैं, सुनो 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 एंट्री क्या करूंगा। अरे सैलरी आपका एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट होगा, तो मेरे बच्चे सैलरी अकाउंट डेबिटेड,
डेबिट, कितने से जी आपका 10,000 से, 10,000। और ए की लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ना क्या करेंगे, क्रेडिट आपका, तो आप कह देना टू एज अकाउंट, टू एज अकाउंट आपका कितने से 10,000। लो हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट, बात खत्म, बात खत्म हो गई। हमने क्या किया, आपका सैलरी को डेबिट किया एंड टू एज अकाउंट, एंट्री कंप्लीट हो गया, एंट्री कंप्लीट हो गया। लेकिन मेरे बच्चे आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एंट्री कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, मस्त कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। लेकिन लेकिन पता है क्या है, मेरी आत्मा जो है ना बच्चे, मेरी आत्मा जो है ना थोड़ी सी परेशान हो रही है, पता है क्यों, जरा सुनो, देखो रीजन क्या है। बात यहां पे टाटा कंपनी की हो रही है, क्या टाटा कंपनी में एक ही एम्प्लॉय होते हैं क्या, टाटा कंपनी में एक ही एम्प्लॉय होते हैं क्या? नहीं सर, नहीं, टाटा कंपनी में लाखों एम्प्लॉय हैं, लाखों एम्प्लॉय। पर बच्चे अगर टाटा कंपनी में लाखों एम्प्लॉय हैं और लाखों लोगों में से मान लो हर एक आदमी का कुछ ना कुछ पेमेंट करना बकाया है, मान लो लाख लोगों का यहां पे पेमेंट करना बकाया, मान लो सबका 2,000-5,000 रुपए बकाया है, तो मुझे बताओ ना कि क्या फिर जब एंट्री पास करोगे सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू लाख लोगों का नाम, ए बी सी डी ई एफ जी एच राम मोहन सोन सीता गीता मीता, क्या ऐसे करोगे क्या? और अगर आपने लाख लोगों के नाम को लिखा तो कहां मतलब पूरा हो पाया, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, कहा गया था बचपन में अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है जिस कलाकारी में हम बहुत तरीके से सारी बातें प्रेजेंट करते हैं। पर बच्चे लाख लोगों के नाम को लिखो तो फिर कौन सी कलाकारी होगी, जरा बताओ। सर कहना क्या चाहते हो, मेरे बच्चे हमारे अकाउंट्स ने कहा है कि एक काम करो जी, एक काम करो, सैलरी एक्सपेंस से ठीक है रिकॉर्ड करो, कोई रोकता नहीं है, लेकिन ये जो लोग है ना, ये जो लोग है, ये जो आपका मिस्टर ए मिस्टर बी जो है, आप प्लीज इनका नाम यहां पे रिकॉर्ड मत करो, आप इंप्लॉय के नाम को मत लिखो, जितने भी इंप्लॉय है ना, जितने भी इंप्लॉय है उन सबका नाम इकट्ठा करके आप इसको कह दो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग यानी कि बकाया जो हमें पे करना है जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस, सैलरी ना, तो आप इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी कह दो। मेरे बच्चे ये हमें समझाया गया है, अकाउंट्स कहता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट, तरीके से लिखो, लाख लोगों का नाम लिखना जनरल एंट्री में इट्स नॉट पॉसिबल, तो बेस्ट क्या होगा जी कि आप एक्सपेंस दिखा दो पूरा, जितना आपका हुआ, जितना बेनिफिट लिया, और जितने लोगों को भी पेमेंट करना बकाया है, जितने लोगों को भी पेमेंट करना बकाया है उनके नाम को लिखने के बजाय क्या लिख दो जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। हाँ, ये नाम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे इंप्लॉय को, मिस्टर ए को, लेकिन हमने क्या किया, ये नाम लिखा। तो मेरे बच्चे मैं एंट्री में क्या करूंगा, आप ऐसे ही काटना जैसे मैं काट रहा हूं, देखो यहां पे ए दिख रहा है तो ऐसे क्रॉस करके यहां लिखना ताकि पता हो कि ये नाम इसी के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और वही काम यहां भी, मेरे बच्चे एंट्री में एज अकाउंट को लिखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, हम यहां पे यूज करेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग आपका सैलरी ना, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग का मतलब कि बकाया है, बकाया है यानी कि हमें सैलरी जो पे करना अभी बकाया है, जो मेरी लायबिलिटी है मिस्टर ए की वो इतना अमाउंट है। ये नाम एक्चुअली मिस्टर ए को ही रिप्रेजेंट करता है, बट ये नाम लिखना परफेक्ट होगा अकाउंटिंग के अंदर में, यही हमें अकाउंटिंग समझाया गया है। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों, क्यों नहीं, आप देखो ना, आप देखो, जैसे हमें कैसे मैं याद दिलाऊं, कई सारी बातें हैं, जैसे कि एक हमने कोई बोलता है कि यार मैं सोता हूं, एक कहता है कि मैं सोने जाता हूं, तो मैं सोता हूं और मैं सोने जाता हूं एक ही चीज हुआ ना, सोने की बात है, लेकिन एक अच्छा लैंग्वेज हुआ, एक थोड़ा बुरा लैंग्वेज आपका हुआ। वही बात है, हमने इस लैंग्वेज को बुरा कहा, ये लैंग्वेज अकाउंटिंग अच्छा माना जाता है, तो इस नाम को यूज करेंगे। अगर सैलरी बकाया है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर हमें लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना है तो आउटस्टैंडिंग रेंट, अगर बकाया है तो जो भी बकाया होगा मचे उस तरीके से हम दिखाएंगे। आई बात समझ में? तो इन शॉर्ट हमने कहा बेनिफिट ले लिया, एक्सपेंस हो चुका है, अगर आप पेमेंट करते तो कैश जाता, पेमेंट नहीं किया तो लायबिलिटी बढ़ गया, उसका नाम क्या जी, मिस्टर ए। एक जगह पे हम इस नाम को यूज करेंगे, हमें अच्छा अकाउंटिंग लगेगा। सर अगर मान लो एक ही एम्प्लॉय है, मान लो सर एक ही एम्प्लॉय है, लाख एम्प्लॉय नहीं है, तो क्या मैं ये नाम नहीं लिख सकता क्या? लिख सकते हैं मेरे बच्चे, लिख सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को लेकर चलेगा, बार बार हम अलग अलग चीजें क्यों पढ़ेंगे, आप हमेशा यही नाम लिखना पसंद करना, आपको अच्छा लगेगा।
ठीक है सर, ठीक है, लो अब हम इसे मिटाते हैं। पता है हम लोग, आप किसी भी बंदे का, किसी भी राम का, मोहन का, सोहन का, आप अकाउंट्स में नाम कब लिखोगे? जब अभी आगे उनसे हमें कोई लेन देन करना है। जब लेन देन ही नहीं करना तो फिर हम उसका नाम क्यों लिखेंगे, क्यों लिखेंगे बच्चे? वही काम किया। और मजे की बात आपके लिए क्या हुआ कि आपका अकाउंटिंग जर्नल एंट्री करने का पूरा रूल मैंने आपको यहां पर दिखा दिया, पूरा रूल, कि एसेट्स एक्सपेंस बढ़ना डेबिट घटना क्रेडिट होगा, कैपिटल लाइबिलिटी इनकम ठीक उल्टा हो जाएगा। इनकम मतलब रेवेन्यू, बार बार मेरी आदत है रेवेन्यू को इनकम बोलने का, बट अब रेवेन्यू समझना। इनमें से कुछ भी बढ़ेगा तो क्रेडिट घटना डेबिट होगा। अभी अभी क्या करेंगे, जब भी एंट्री पास करेंगे मेरे साथ चाहे अकेले में, तो कहीं दूर इसको अलग से लिख लेना और इसी के हिसाब से एंट्री करना। कौन से 5 वर्ड पे मास्टरी होना चाहिए, इंडेक्स मीनिंग जो आप समझ रहे हैं और जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना? तो आओ जरा अब मैं और कुछ एग्जांपल समझाता हूं। लिखिए मेरे साथ आज का एग्जांपल नंबर 3। सर ब्लू से लिखोगे? नहीं बदमाश, किसी से भी लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लो मैं ब्लैक से लिखता हूं, लो मैं ब्लैक से लिखता हूं, ब्लैक ब्लैक खेलते हैं, ब्लैक ब्लैक खेलते हैं। ये लीजिए आप, यहां पर ये लीजिए आपका 1 अप्रैल। अब मैं एक वर्ष की बात कर दूं क्या, मैं एक वर्ष की बात कर दूं क्या? नहीं सर, अभी 1 महीने की बात करो सर। लो फिर कोई क्या फर्क पड़ता है, पूरा वर्ष या पूरा महीना उसी तरीके से एंट्री होगा। ये लीजिए टाटा कंपनी की हम बात कर रहे हैं और आप यहाँ पे वो प्यारे बच्चे जो इसका अकाउंट संभाल रहे हैं। महीना कौन सा चल रहा आपका? अप्रैल का, अप्रैल का। अब मैं बात करता हूं इस बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग है आपका, ये बिल्डिंग है। पर बच्चे इस बिल्डिंग का जो रेंट है ना, जो रेंट आपका है पर मंथ, रेंट जो पर मंथ है वो मान लो आपका 40,000 है। और ये जो रेंट जो पे करना ना, इस ये जो बिल्डिंग है इसका जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड मतलब इसका मालिक, उसका नाम है मिस्टर राम। आपका मिस्टर राम जो है ना, इसका लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक, जिसका रेंट आपका 40,000 पर मंथ है। मान लो ये पूरा महीना आपका गुजर गया और एंड में आपका दिन आया, एंड में आया और कहा कि भैया रेंट रेंट मुझे पे करो। लैंडलॉर्ड आएगा ना रेंट लेने के लिए? सर हाँ आया। टाटा ने कहा कि यार अभी रेंट नहीं है, मतलब अभी पैसे नहीं है, कुछ दिनों के बाद आना मैं पेमेंट कर दूंगा, कुछ दिनों के बाद आना मैं पेमेंट कर दूंगा। मुझे ये बताओ क्या टाटा ने पेमेंट किया? नहीं पेमेंट किया। क्या बोला? आगे पे कर दूंगा। मुझे बताओ आज एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो, आज एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? सर होगा, क्योंकि आपने इस 1 महीने इस बिल्डिंग को आपने यूज कर लिया। अगर आपने इसके बिल्डिंग को यूज कर लिया, आपने सर्विसेज ले लिया, तो सर यहाँ पे रेंट जो कि आपका एक्सपेंस है, रेंट जो आपका एक्सपेंस है वो 40,000 से आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। सर ये आपका एक्सपेंस है, ये आपका एक्सपेंस है, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। रेंट बढ़ा दिया मेरे बच्चे, बताओ ना कि क्या आपने इस 40,000 अपने लैंडलॉर्ड को पे कर दिया? नहीं पे किया, अभी पे नहीं किया, पे करना है। लायबिलिटी बन गई, ऑब्लिगेशन। अरे लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैंने बताया तो है ऑब्लिगेशन, यानी कि आप यहां पे क्या करोगे, आप यहां पे क्या करोगे, आपको यहां पे लायबिलिटी अपनी बढ़ानी है, लाइबिलिटी अपनी बढ़ानी है। जरा बताओ ये लाइबिलिटी कितने से बढ़ेगी? सर 40,000 से। जरा मुझे बताओ वो कौन सा लैंडलॉर्ड है जिसको पेमेंट करना है? राम। तो हमने लाइबिलिटी नाम किसको लिखा? राम लिखा। लेकिन मेरे बच्चे मैंने कहा कि जब भी किसी को पेमेंट करना होगा इन केस ऑफ एक्सपेंसेज, अगर एक्सपेंस किसी को पे करना है और अगर बकाया है तो आप उसके नाम को ना लिखना, क्योंकि बड़े बड़ी कंपनीज के कई सारे बिल्डिंग होते हैं, पूरे वर्ल्ड में कितने सारे बिल्डिंग उन्होंने रेंट पे लिया है, कितने लोगों के नाम को लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि राम को, राम का मतलब जो लैंडलॉर्ड का पेमेंट करना है उसके नाम को लिखने के बजाय हम यहां क्या बोल देंगे जी? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। कौन सा एक्सपेंस? रेंट ना, तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ये नाम लिखेंगे। ये लायबिलिटी हमारी है तो हमारी लायबिलिटी, लेकिन ध्यान रखना। और जरा बताओ ये नाम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो राम को। लेकिन राम श्याम मोहन का हम नाम यहां पे नहीं लिखते मेरे बच्चे, सुनो सुनो फिर से बोल रहा हूं। एक्सपेंसेस किसी को अगर हमने पे करना है और अभी तक पे नहीं किया, तो उसके नाम को लिखने के बजाय, उसके नाम को लिखने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, हम यहां पर लिखते हैं जी आपका आउटस्टैंडिंग
रेंट आउटसोर्सिंग सैलरी जो भी होगा, ये वो लोग हैं जिनका हमें पेमेंट करना है, वो लोग। तो जरा मुझे बताओ कि आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस का बढ़ना क्या किया जाएगा सर? डेबिट, लिख दो यहां पे डेबिट। और जरा बताओ लायबिलिटी का बढ़ना क्या किया जाएगा? लायबिलिटी का बढ़ना क्या किया जाएगा सर? क्रेडिट, तो लिख दो यहां पे क्रेडिट। और इसी को आपको एंट्री में कन्वर्ट कर देना है, इसी को एंट्री में कन्वर्ट कर देना है। बोलो जरा, रेंट यानी कि आपका बढ़ रहा है, रेंट आपका बढ़ रहा है मेरे बच्चे, तो रेंट अकाउंट को आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ना डेबिट आपका। और वो राम जिसको पेमेंट करना है, लायबिलिटी राम के बजाय हम क्या लिखेंगे जी? टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अगर दुनिया वाले आपसे पूछ दें कि यार ये आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्या है, तो बोलना लायबिलिटी है। ये कौन है? तो कहना कि राम है। लेकिन राम को लिखने के लिए सर ने इसलिए मना किया क्योंकि कंपनीज बहुत लोगों के साथ डील करती है, बहुत लोगों की बिल्डिंग वो किराए पर लेती है, तो कितने लोगों के नाम को एंट्री में दिखाएगी, इसलिए हम इस तरीके से एंट्री पास करते हैं। ये अकाउंटिंग में अच्छा लगा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया रीजन, तो बोल देना भैया अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक कला है, वो कलाकारी में हम ऐसा काम करते हैं, हमें सर हमें कलाकार बना रहे हैं, एक आर्टिस्ट बना रहे हैं, आर्टिस्ट बना रहे हैं। आज के बाद शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, वो रणधीर कपूर, रणवीर कपूर, सबके नाम खत्म हो जाएंगे। आज के बाद एक ही आर्टिस्ट को लोग जानेंगे और वो सिर्फ आप हैं, उनसे बड़े कलाकार। अरे उनसे छोटे कलाकार थोड़े हैं, वो अपने फिल्मी दुनिया के कलाकार हैं, आप अकाउंट्स के कलाकार हो, अकाउंट्स को आर्ट, अकाउंट्स के आर्ट को जानते हो। जो जितना बड़ा अकाउंट्स के, जो जितना बड़ा आर्ट को जानता है, उतना बड़ा कलाकार होता है। आप महान कलाकार हो, महान कलाकार। आप जाना, आप दुनिया छत पे खड़े हो जाना, देखना दुनिया आ जाएगी वहां पे, भर जाएगी आपसे ऑटोग्राफ लेने के लिए। विश्वास नहीं तो देख लेना आप, वहां से आएगी दुनिया, आएगी। सर आपके पास आती है, कहां आएगी बताओ? इस रूम में क्या करूंगा? एक 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 मुझे कुछ कोई नहीं दिखता यहाँ पे जिससे मैं बातें कर लूं, एक नहीं बचे, कुछ नहीं यहाँ पे, कोई नहीं है, अकेले बस बड़बड़ाए रहता हूं, बड़बड़ाए रहते, यही जिंदगी मेरी बन चुकी है, क्या करूं? मन करता हूं कि कोई मेरे सामने यहां बैठे उससे बात करूं, लेकिन कोई है नहीं यहाँ पे। ये कैमरा है काला सा जो मुझसे देखते रहता हमेशा आपको, यहाँ पे एक शब्द ये हिलता नहीं, ना बात करता मुझसे। कैलकुलेटर मेरे पास है, कैलकुलेटर मेरे पास है, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करते रहता हूं, कोई नहीं मुझसे बात करने वाला। हाँ मेरा एक एक 6 महीने का बच्चा है, वो मुझसे बातें करता है, मेरे बच्चे वो मुझसे बातें करता है, दिन रात मुझसे बातें करता है। वो पूछता है कि पापा क्या करते हो, कैसे पढ़ाते हो, मुझे भी सिखाओ ना। उसको मैंने तो अकाउंट्स पूरा सिखा दिया है, पूरा अकाउंट सिखा दिया, एक एक चीज वो जानता है। अभी 6 महीने का है, लेकिन आप उसको अकाउंट्स का क्या नहीं, वो CA फाइनल तक का अकाउंट्स पूरा का पूरा जानता है। मैं उसको एक बार इशारा करता हूं, वो फटाफट सॉल्व करके दिखा देता है। ऐसा मैंने उसको बना दिया, वही चीज मैं आपको भी बनाऊंगा। ओह, लिखो आप यहां पे, लिखो। ये सर हो गया। सर आपने कहा सर एसेट्स एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होगा, घटना क्रेडिट होगा। आपने कहा सर कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट, घटना डेबिट होगा। सर बात समझ में आ गई। आपने ये भी कहा कि जिस आदमी से अभी रिश्ता आगे होगा, जिससे रिश्ता रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने पेमेंट नहीं किया है तो हमें उसका नाम लिखना पड़ेगा, अगर हमने पेमेंट कर दिया तो उस इंसान के नाम को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर यहां तक सर? हाँ सर। तो मेरे बच्चे आज ना, आज मैंने क्या किया, एक्चुअली आपको एसेट्स एक्सपेंस का मीनिंग बता दिया। एसेट्स का बढ़ना, एसेट्स का मतलब क्या होता है जी? जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है। एक्सपेंस का मतलब क्या? जिसका बेनिफिट आपने ऑलरेडी एंजॉय कर लिया है, वो हमारा एक्सपेंस आपका होता है, एक्सपेंस आपका होता है। चलो मैं अब सुना क्या बोला मैंने, एसेट्स एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट, घटना क्रेडिट। और तीन नाम जो दूसरा दिया कैपिटल लायबिलिटी इनकम, इनका बढ़ना क्रेडिट, घटना डेबिट होगा, मतलब उसके ठीक उल्टा। और अभी आप क्या करेंगे, इसको लिखकर फिर एंट्री पास करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया। आज मेरे बच्चे मुझे आपको उस लेवल पे पहुंचाना है जिस लेवल पे पहुंचने वाले बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग। आ उसी प्रोसेस में अब मैं आपको इनके साथ कुछ एप्लीकेशन को दिखाता हूं, और पहले मैं कैपिटल के साथ कुछ बातें आपके साथ करूंगा, कैपिटल को लेकर आपका।
आइए जरा आप लिखेंगे मेरे साथ यहां पे, एग्जाम्पल आपको यहां लिखेंगे जी, एग्जाम्पल लिखेंगे आप मेरे साथ। कौन सा नंबर था मैं भूल गया, आई थिंक 1, 2, आई थिंक 3rd होगा शायद, नहीं 3rd तो हो चुका था, शायद 4th होगा, जो भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा एक बात बता दूं, हो सकता है कि आपके स्कूल में जनरल एंट्री को पढ़ाने के पहले वो अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाएंगे, कुछ आपको नहीं सीखना, वो अपने आप हो जाएगा। मैं आगे आपको उसका मीनिंग समझा दूंगा, लेकिन अकाउंटिंग को जिस स्टेप में सीखना है ना, वही स्टेप में आपको सिखा रहा हूं। अब ध्यान देना अब क्या होने वाला है यहां पे, मैं ना आपको यहां पे एक क्योंकि ये कैपिटल के बारे में समझाने वाला बच्चे, मैं आपको यहां पे एक बैलेंस शीट दिखाता हूं। मैंने ये पिछली क्लास में बातें की थी, सर बैलेंस शीट क्या होता है अभी आप समझना, जहां पे हम एसेट्स जो है बिजनेस का क्या नाम है, टाटा के जो एसेट्स हैं, टाटा के जो कैपिटल हैं और टाटा के जो लायबिलिटीज हैं, हम उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं यहां से आपको कैपिटल लायबिलिटी का मतलब बताना चाहता हूं, आपको अभी बैलेंस शीट नहीं पता कि बैलेंस शीट एक्चुअली होता क्या है, मैं आगे बताऊंगा, अभी समय आने दो, लेकिन आज इतना ही समझ लो, जहां पे बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, बिजनेस के कैपिटल कितने हैं, बिजनेस के लायबिलिटी कितने हैं, उनके बारे में हम रिकॉर्डिंग करते हैं। अब सुनो ना ये देखो मैं आपको कुछ बना रहा हूं, आप देखो मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ऐसा मत समझना। जरा मुझे बताओ ये कौन है। अगर आपने बता दिया तो अभी के अभी आपके पास आऊंगा और खूब सारे चॉकलेट को खिलाकर फिर मैं आपके पास से वापस हो जाऊंगा। बताओ ये कौन है। सर ये एक लड़का है। ना, ये है कौन ये? अरे ये है, आपको कुछ पता नहीं चलता यार, इतना अच्छा ड्राइंग मैंने बताया, ये है रतन टाटा। सर रतन टाटा कौन है? टाटा का मालिक। ऐसे बहुत लोग मालिक है, बट हमें मुद्दे पे आ रहा हूं। मान लो टाटा एक फर्म है और उसके मालिक कौन है? रतन टाटा। मैंने कई बार आपको कहा है, ऐसे ना देखो, मैंने कई बार कहा है कि जिस दिन रतन टाटा ने टाटा कंपनी की शुरुआत की, रतन टाटा अलग हो गया, टाटा अलग हो गया, सेपरेट एंटिटी, फर्म की एंटिटी ओनर से अलग होती है। और हम सारी बातें किसके लिए पढ़ रहे हैं? फर्म के लिए पढ़ रहे हैं, टाटा कंपनी के लिए। कहा था मैंने आपको पिछली क्लास में शायद, जब कैपिटल लायबिलिटी का मतलब समझा रहा था, बातें मैंने कई बार आपसे डिस्कस की है, तो ये कोई नई बात आपके लिए नहीं अब आ रही है। सुनो ना, अगर मान लो रतन टाटा ने आज ही टाटा को स्टार्ट किया और रतन टाटा ने इस कंपनी में क्या किया मर्चे, इस फर्म में क्या किया, मान लो 5 लाख रुपए दिया बिजनेस में, इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपए, 5 लाख मान लो बिजनेस में क्या क्या उसने लगाया, तो बताओ बिजनेस में क्या आया? बोलो बिजनेस में क्या आया? सर कैश आया। अरे अगर ओनर पैसा बिजनेस में लगाएगा तो कैश ही तो आएगा, भूल गए क्या? मेरा कैश कहां चला गया? ये रहा वो कैश। अगर मान लो आप ओनर हो और मैं ये कंपनी हूं, तो आपने ओनर ने बिजनेस में क्या डाला? कैश डाला, पैसा कैश डाला। बच्चे अगर ये इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस का क्या बढ़ेगा? कैश बढ़ेगा। कैश कितना बढ़ गया? 5 लाख रुपए, मान लो 5 लाख दिया। लेकिन मेरे बच्चे डबल एंट्री सिस्टम, जब बिजनेस में कैश आया ना, 5 लाख रुपए कहां गया? 5 लाख रुपए, तो अकाउंट्स पूछेगा कि ये 5 लाख आपके पास कहां से आए? सर क्यों पूछेगा? क्योंकि आप एक अलग पर्सन हो, ये एक अलग पर्सन है, आपके पास जो भी कुछ आएगा आपको बताना होगा। आप जरा खुद बताओ, मैं आपकी बात करता हूं, जब आप पड़ोसी के घर से मान लो कुछ चोरी करके आते हो, सर हम चोरी नहीं करते, अरे मान लो यार, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर पड़ोसी के घर से मान लो आप चोरी करके आते हो, तो क्या आपके पापा पूछते नहीं कि कहां से लाया? बोलते हो ना, हम बोलते हैं हाँ सर, हमने बताते हैं कि हम वहां से लेकर आए, चोरी नहीं बताते, बट बताते हैं ना बच्चे, सर हाँ, आपको पापा को बताना पड़ता है क्योंकि आपके पास मुख है,
ये मुंह से जो है ना आप उनको बता सकते हो कहां फर्म का कोई मुंह है, जरा बताओ। टाटा का रतन टाटा का मैंने मुंह देखा है, टाटा का मुंह नहीं देखा। तो टाटा के अकाउंटेंट को इनके पास जब भी कुछ आएगा ना तो इनको लिख कर बताना पड़ेगा, लिख करके आप कहां से लेकर आए, बताओ जरा। टाटा के पास जो 5 लाख रुपए आया ये किसने दिया? उनके ओनर ने दिया, ओनर ने। मेरे बच्चे अगर ओनर ने दिया तो उनके नाम से रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि भैया मुझे पैसा ओनर ने दिया है। एंड ओनर को ही मैंने बताया हुआ है कि ओनर को ही थोड़ा रिस्पेक्ट देते हुए हम यहां पे क्या बोलते हैं जी, कैपिटल आपका ये कितना कैपिटल हो गया, 5 लाख का अमाउंट आपका, 5 लाख रुपए, 5 लाख मेरे बच्चे आपका। ओनर को थोड़ा रिस्पेक्ट देते हुए हम क्या बोलेंगे, कैपिटल नाम देंगे आपका। जैसे आप अपने पापा को पापा पापा पुकारते हैं, ये फर्म जो है ये भी अपने पापा को रतन टाटा नाम से नहीं पुकारता, वो पापा को क्या बोलता है जी, कैपिटल कहता है, तो कैपिटल के नाम से पुकारेगा। अब बताओ टाटा कंपनी में क्या आया, कैश आया, कैश आपका बढ़ गया, कैश बढ़ गया, और साथ ही साथ क्या बढ़ गया जी, कैपिटल बढ़ गया, यानी कि ओनर का बिजनेस में क्लेम बढ़ गया। कैपिटल का मतलब क्या, ओनर में बिजनेस क्लेम, ओनर ने कितना पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो मेरे बच्चे बिजनेस में दो हलचलें हुई है, एक तो कैश आया, हमें कैश बढ़ाना पड़ा, और ये पैसा किसने दिया, ओनर ने, उसके नाम से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। दुनिया वाले कहेंगे कैपिटल का मतलब ये होता है वो होता है, छोड़ो ना उनकी बात, बात सिर्फ इतनी है कि कैपिटल क्या है जी, कि भैया बिजनेस में जो पैसा आया किसने दिया, ओनर, तो उसके नाम से रिकॉर्ड करो। हमने क्या किया, इसको बढ़ा दिया। अब हमें एंट्री करना है, हमें जनरल एंट्री सीखना है। बोलो जरा कि कैश आपका एसेट्स है, बढ़ना क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो मेरे बच्चे कैश का बढ़ना जनरल एंट्री में हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। और सुनो ना, कैपिटल बिजनेस का बढ़ रहा है, बिजनेस का कैपिटल बढ़ रहा है, तो बताओ बिजनेस में कैपिटल का बढ़ना, यहां देखो यहां देखो यहां देखो, कैपिटल का इंक्रीज करना क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, तो ये आपका क्रेडिट किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। कर लो ना अब एंट्री, एंट्री कर लो ना बच्चे, कौन सी बड़ी बात है। आप देखो कैश बढ़ रहा है, डेबिट करो, तो एंट्री में आप यहां पे कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, कितने से, 5 लाख रुपए से, 5 लाख रुपए से कैश को बढ़ा दो। और क्योंकि ये आपका कैपिटल भी बढ़ रहा है बच्चे, ओनर का नाम को भी लिखना पड़ेगा, तो कैपिटल बढ़ना क्या किया जाए, क्रेडिट, तो आप क्या बोलेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, 5 लाख रुपए। सर एक बात बताओ, मैं यहां पे रतन टाटा लिख दूं तो कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा। लेकिन तब जब आज से अपने पापा मम्मी को आप नाम से पुकारना शुरू कर देना, आप पुकारना, फिर मुझे कहना कि हाँ जी मेरे पापा मम्मी बड़े खुश हुए, तो फिर आप लिखना शुरू कर देना, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन अगर आप अपने पापा मम्मी को रिस्पेक्ट देते हैं तो यहां भी ओनर को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, ओनर के नाम को लिखने के बजाय आपको वहां पे उनका कैपिटल वर्ड लिखे, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, यहां पे एंट्री बन गया जी, कैश यानी कि एसेट्स बढ़ गया, डेबिट एंड टू कैपिटल अकाउंट, हो गई एंट्री। अरे हो गई एंट्री सर, कुछ और बातें, बहुत सारी बातें हैं आज, तो इतनी सारी बातें आपसे करने का मन कर रहा कि मैं क्या बताऊं। यहां देखो, यहां देखो, मान लो टाटा कंपनी को एक बिल्डिंग चाहिए, टाटा कंपनी नीड्स अ बिल्डिंग, और बिल्डिंग टाटा परचेज करने के बजाय ये जो रतन टाटा है ना, वो अपने घर के बिल्डिंग बिजनेस में डाल दिया। रतन टाटा ने जो उसका अपना बिल्डिंग था वो बिजनेस के नाम पे डाल दिया कि यार बिजनेस में यूज करूंगा। तो जरा बताओ, जरा बताओ, अगर रतन टाटा ने बिल्डिंग दे दिया तो टाटा का क्या बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गया। कौन सा एसेट्स, बिल्डिंग, बिल्डिंग आ गया आपके पास, कितना आ गया बिल्डिंग जी, मान लो वो बिल्डिंग 20 लाख का है, मान लो बिल्डिंग 20 लाख का है, मान लो बिल्डिंग 20 लाख का है। बताओ टाटा के पास जो 20 लाख का बिल्डिंग आया, ये बिल्डिंग किसने दिया, बताना तो होगा, ओनर ने दिया है। तो मेरे बच्चे टाटा का बिल्डिंग बढ़ा क्योंकि ये ओनर दिया है, तो ओनर के कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, ओनर का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। कैपिटल मतलब क्या, ओनर का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो मेरे बच्चे इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, कैपिटल को बढ़ा दूंगा, कैपिटल को कितने से बढ़ा दूंगा, 20 लाख रुपीज से, 20 लाख से बढ़ा दूंगा। यानी कि एक तो बिल्डिंग बढ़ गया और एक हमारा क्या जी, कैपिटल बढ़ गया। मैं लिख देता हूं यहां पे, बिल्डिंग बढ़ा और कैपिटल बढ़ा। सर कैपिटल यहां भी, यहां पे मैं समझा रहा हूं बच्चे, ये अलग पॉइंट था, ये आपका अलग पॉइंट था,
और ये अलग पॉइंट निकल के आ रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने क्या करना है, बिल्डिंग बढ़ गया यानी कि एसेट्स बढ़ गया, डेबिट कीजिए, और कैपिटल बढ़ गया तो आप क्या करेंगे जी, क्रेडिट करेंगे। देख लो ना समझ में आया तो, यहाँ पे एसेट्स का बढ़ना डेबिट करेंगे और कैपिटल का बढ़ना हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसी को एंट्री में लेकर आ जाओ, आओ ना एंट्री में। तो ये आपका पॉइंट वन था, ये पॉइंट नंबर टू है, ये पॉइंट वन की एंट्री टू में। चलो बताओ इस बार क्या बढ़ा, बिल्डिंग, डेबिट करो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। सर सारे नाम के आगे अकाउंट क्यों लगाते हो, मैंने कहा ना रीजन बाद में बताऊंगा, लिख दो पहले आप यहां पे, आपका 20 लाख रुपीज। और आपका कैपिटल बढ़ा तो कैपिटल बढ़ना क्रेडिट, हम क्रेडिट में लिखते हैं टू, तो आपने कहा टू कैपिटल अकाउंट, कितना हो गया 20 लाख रुपीज, 20 लाख हो गई बात है। पहले वाले में कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ा, दूसरे में बिल्डिंग बढ़ा। जो भी ऑनर कॉन्ट्रीब्यूट कर देगा, ओनर जो भी कंट्रीब्यूट कर देगा तो हमें ओनर के नाम से रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बिजनेस में कुछ बढ़ेगा और अगर वो ओनर दिया तो उसके नाम से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इतनी सी बात यहां पे। ठीक है सर, आप कहो तो मैं इसको मिटा दूं। सर हां सर, ये चौथा एग्जांपल में दो पॉइंट मैंने करा दिया, अब मैं आपको अब हम सोचने पर मजबूर करूंगा, सोचने पर आपको अब सोचना है मेरे साथ। लिखिए यहां पर पांचवा नंबर, एग्जाम्पल नंबर फाइव लिखेंगे आप यहां पे मेरे साथ, सोचेंगे सोचेंगे हमें मेरे साथ आप सोचेंगे बच्चे। क्या कहता है कि ओनर जो जो मालिक है, इन्वेस्टेड, उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड रुपीज 5 लाख कैश बिल्डिंग बिल्डिंग वर्थ रुपीज 2 लाख एंड फर्नीचर रुपीज 1 लाख। हमें इसकी एंट्री पास करना, एंट्री बनाना है मेरे बच्चे। सुनो ना आपसे बात कर रहा हूं, बताओ जरा बिजनेस में क्या क्या बढ़ा है, क्या क्या बढ़ा है सर। बिजनेस में कैश बढ़ा है, बिल्डिंग बढ़ा है और फर्नीचर बढ़ा है, तीनों बढ़े हैं, तीनों एसेट्स हैं, बढ़ना डेबिट करेंगे। अरे कोई भी एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, है ना बच्चे। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी एंट्री में यहां पे तीनों का बढ़ना डेबिट होगा, तो कैश अकाउंट को आप डेबिट कीजिए। कितने से कैश बढ़ गया, 5 लाख रुपीज। बिल्डिंग भी आप यहां पे करेंगे, आप बढ़ाना, बिल्डिंग भी आपका बढ़ गया तो बिल्डिंग अकाउंट आप डेबिट करेंगे 2 लाख रुपीज से। और मेरे बच्चे फर्नीचर भी, बिजनेस में जो भी कुछ बढ़ गया, जो भी कुछ, आप उसको डेबिट करो। ये तीनों चीजें बिजनेस में आ गई, 6 लाख का अमाउंट आपका, 6 लाख सॉरी कितना हो गया, 8 लाख, 8 लाख बोलो ना। ये 8 लाख जो बिल्डिंग में आज आ गया, ये 8 लाख जो बिल्डिंग में आ गया, क्या इसके बदले में हमने कुछ पेमेंट किया है, क्या फर्म ने कुछ पेमेंट किया, क्या नहीं सर, नहीं पेमेंट नहीं किया। ये 8 लाख जो आया, ये देखो कैश आ गया, ये देखो बिल्डिंग आ गया, ये देखो फर्नीचर आ गया, ये जो आया बिजनेस में, ये किसने दिया है सर, ओनर ने। ओनर के क्लेम को बढ़ाना पड़ेगा, ओनर के नाम से रिस्पेक्ट रिकॉर्ड करना होगा मेरे बच्चे। एंड ओनर को जरा बताओ हम किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल। बताइए बिजनेस में जो कैपिटल है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओनर का जब जब क्लेम बढ़ेगा तब तब क्या बोलेंगे, कैपिटल बढ़ गया बिजनेस के अंदर में। तो मेरे बच्चे कैपिटल का बढ़ना, ये देखो कैपिटल का बढ़ना क्या करेंगे, क्रेडिट। तो आप यहां पे क्या बोलेंगे जी, टू लिखिए यहां पे, टू कैपिटल अकाउंट कितना मेरे बच्चे, 8 लाख रुपीज। हमेशा हर एक एंट्री में डेबिट और क्रेडिट बराबर आएगा, ये पक्का है, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट का यही मतलब होता है कि डेबिट जो है मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट आपका, क्योंकि जब कोई आना जाना रिकॉर्ड होगा और उसके साथ उसका पूरा रीजन भी रिकॉर्ड होगा तो टैली तो करना ही करना है, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़े है,
ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़े है, हमने यहाँ पे बातें आपको रिकॉर्ड कर दी। तो ओनर ने इन्वेस्ट किया 5 लाख कैश, 20 बिल्डिंग आपका 2 लाख का, फर्नीचर 1 लाख का, तो ये तीनों एसेट्स बढ़ गया। एसेट्स बढ़ना डेबिट होगा, कैपिटल बढ़ा क्रेडिट कर लिया। आई बात समझ में? सर हाँ सर हाँ। मैं इसको मिटा दूं? मिटा दो सर। सोच लिया आपने? सर हाँ। और सोचने का मन कर रहा है? सर कैपिटल में आप क्या सोचाओगे जरा बताओ, कुछ बचा सोचने के लिए? कुछ नहीं बचा सोचने को, कुछ नहीं बचा। और बातें हैं सोचने वाली, थोड़ी और अच्छी एंट्री बनेंगी, लेकिन अभी तो मैंने कहा है कि आपको उतना ही सोचना है जितना सर आपको बोलेंगे, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। तो आओ जरा पांचवे में हमने सोच लिया आपका। सर सर कुछ और भी बताओ ना, सर कुछ और भी बताओ ना। चलो मैं आपको बताता हूं, कुछ और बातें लेकर आता हूं। मैं 6 पॉइंट में आता हूं और फिर से मुझे एक बैलेंस शीट आपको दिखाना है। सर बैलेंस शीट आपने पढ़ाया नहीं सर अभी तक, मैं मुझे पता है बच्चे ये आगे का पॉइंट है, लेकिन समझो ना बैलेंस शीट में आपको बातें कैसे निकल के आती हैं बाकी बातें। हाँ जरा बताओ मैं किस कंपनी किस फर्म की बात कर रहा हूं? टाटा। मुझे बताओ इसका मालिक कौन है? इसका मालिक कौन है? ये देखो आप, ये देखो BOY बॉय फॉर मालिक, मैं बनाऊंगा। ये उसके बाल हैं रतन टाटा के, ये उसका चेहरा है और बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। मुझे पता है मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। ये कौन है आपका? रतन टाटा। ठीक है ठीक है, पता है मेरे बच्चे। टाटा कंपनी को अब रतन टाटा से जो लेना था ले लिया, जितना कैश आना था बिल्डिंग सब आ गया, अब उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब क्या हुआ कि टाटा कंपनी को आज अर्जेंट आज के डेट पे 10 लाख की रिक्वायरमेंट है। टाटा कंपनी नीड्स 10 लाख रुपीज इन द बिजनेस उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन मेरे बच्चे जो रतन टाटा है ना, अब इसके पास पैसे नहीं है। रतन टाटा के पास पैसे नहीं है, वो कहता भैया अब मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। चलो बताओ क्या आप और आप सेम हो क्या? नहीं सर, कानून की नजर में आप अलग हो। मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं। अगर टाटा कंपनी में ये पैसा आप नहीं लगा सकते तो मेरे बच्चे टाटा कंपनी बैंक से लोन ले लेगी। जरा बताओ अगर टाटा कंपनी ने, ये देखो आपका एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक, और टाटा कंपनी गई एचडीएफसी बैंक के पास, बोले कि बैंक भैया हमें 10 लाख का लोन दो ना। बैंक ने इनका रिकॉर्ड देखा, यार कंपनी तो बहुत अच्छी है, प्रॉफिट कमा रही है, कोई बात नहीं, लो 10 लाख का लोन देने को तैयार हो गया। दे दिया लोन बच्चे। अगर टाटा कंपनी ने 10 लाख का लोन इनको दे दिया तो बताओ टाटा कंपनी के पास क्या आया? अगर टाटा कंपनी को अगर मान लो यहां पे एचडीएफसी बैंक ने 10 लाख का लोन इनको दे दिया, 10 लाख का लोन दे दिया, तो बताओ इनके पास क्या आया? बोलो ना क्या आया। अरे बोलो ना, मैं टाटा कंपनी हूं, मान लो मैं टाटा कंपनी हूं, बैंक से लोन लेकर आया, तो मुझे क्या मिला? सर पैसे मिले, लोन लूंगा तो भी पैसे ही तो आएंगे। गलत बोल रहा हूं, अरे आपसे लोन लिया तो मुझे क्या मिला? पैसा मिला। यानी कि टाटा कंपनी के जो एसेट्स है ना बच्चे, एसेट्स जो है उसमें आपका कैश यहां पे बढ़ जाएगा कितना जी? मान लो 10 लाख, 10 लाख रुपए से 10 लाख रुपए। मुझे बताओ जब टाटा कंपनी के पास कैश आया 10 लाख रुपए, तो अब ये 10 लाख रुपए कहां से आया? दोबारा बताना पड़ेगा, डबल एंट्री सिस्टम है, रीजन तो बताना होगा कहां से लेकर आए। बताओ ये टाटा के पास जो पैसे इस बार आए हैं 10 लाख रुपए, क्या ये पैसा ओनर ने दिया है क्या? नहीं सर, नहीं, ओनर ने दिया। किसने दिया? बैंक वाले ने। रीजन बताना पड़ेगा मेरे बच्चे, क्योंकि ये पैसा मुझे बैंक वाले ने दिया है तो मैं बैलेंस शीट में जो हमारी लायबिलिटी होती है ना, लायबिलिटी, उसमें क्या करूंगा? बैंक लोन को मैं बढ़ा दूंगा। बैंक लोन आपका 10 लाख, क्योंकि 10 लाख से आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। हमें उस नाम को बताना होगा कि कौन सी लायबिलिटी आपकी बढ़ी है। तो हमने क्या बोल दिया? बैंक लोन। या तो बैंक लोन लिख दो, या कह दो लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, या लिख दो लोन फ्रॉम बैंक, आपकी मर्जी है, नाम कुछ भी दो, लेकिन रीजन बताना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई पैसा आया, अगर पैसा आया किसने दिया जी? बैंक वाले ने, तो उसके नाम से रिकॉर्ड करो। तो हमने क्या कह दिया? आपका बैंक लोन। ठीक है ना, ध्यान दो यहां पर क्या हो रहा है मेरे बच्चे। एक तो आपका कैश यानी कि एसेट्स बढ़ रहा है,
एसिड्स बढ़ रहा है, तो आपका एक तो यहां पे क्या हुआ जी, एसिड्स बढ़ रहा है, बताओ एसिड्स का बढ़ना क्या करेंगे आप, डेबिट, मुझे इसको डेबिट करना पड़ेगा। और देखो लायबिलिटी भी आपकी बढ़ रही है, कर्ज है ये, कर्ज है, कर्ज जो नाम लिखा, तो बताओ यहां देखो, यहां देखो लायबिलिटी का बढ़ना क्या करेंगे आप, क्रेडिट करेंगे, तो मुझे इसको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। जो रूल कैपिटल के साथ है सेम रूल आपका लायबिलिटी के साथ है, साथ है, कैपिटल बढ़ना क्रेडिट, तो लायबिलिटी बैंक लायबिलिटी बढ़ना भी क्रेडिट जी, एंड वाइस वर्सा। तो बताओ एंट्री क्या बनेगा, हमें कैश को डेबिट करना होगा, करो यहां पे आप लिखिए मेरे साथ, कैश अकाउंट आपने यहां पे डेबिट कर दिया, कितना अमाउंट है आपका 10 लाख, 10 लाख रुपए आपका 10 लाख। और देखो लायबिलिटी में कौन सा नाम है जी, बैंक लोन, तो बैंक लोन जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ना क्रेडिट किया जाएगा, तो लिख दो यहां पे टू बैंक लोन अकाउंट। सर बैंक लोन के जगह पे अगर हमने HDFC बैंक लिख दिया तो मार्क्स कट जाएंगे ना, वो भी ठीक है, नाम ही तो बताना है जी, नाम कुछ भी ले सकते हैं, जहां से कर्ज लिया उसका नाम लिखो, लेकिन जनरली अकाउंट्स में हम इसको बैंक लोन के नाम से जानते हैं, तो हम बैंक लोन कह देंगे, ऐसे कुछ भी नाम हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है। आई बात समझ में, कैश बढ़ गया डेबिट करो, लोन बढ़ गया क्रेडिट करो, खत्म हो गया। ये तो एंट्री, दिस इज कॉल्ड जर्नल एंट्री, जो हम पास कर रहे हैं आपका हर एक वर्ड को लेके। मैं अब इसको मिटाऊंगा, सिक्स्थ एग्जांपल हमारा हो चुका है, अब बाकी के एग्जांपल मैं आपको यहां पे क्या करूंगा, लैंग्वेज में समझाऊंगा, लैंग्वेज में। लिखिए मेरे साथ यहां पे एग्जांपल नंबर 7, लिखेंगे आप यहां पे एग्जांपल नंबर 7 आपका। 6 एग्जांपल मेरे हो चुके बच्चे, हम सातवें एग्जांपल में आ चुके हैं, आओ देखते हैं सातवां एग्जांपल क्या बोलता है। लिखिए मेरे साथ यहां पे, इस बार लिखेंगे आप फर्म रेस्ट, रेज करना मतलब लेना, फर्म रेस्ट लोन, लोन ऑफ रुपीज 30,000 फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से क्या किया है, 30 लाख का लोन लिया। मुझे बताओ अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो मुझे बताओ पहले यहां पे कि फर्म का क्या बढ़ गया। सर लोन लेंगे तो कैश बढ़ेगा, पैसे ही तो आएंगे, स्वाभाविक सी बात है, पापा मम्मी अगर लोन लेकर आते तो पैसे ही तो बढ़ते हैं, तो हमने क्या किया जी, कैश बढ़ गया आपका कितने जी, रुपीज 30,000, 30 लाख से आपका यहां पे कैश बढ़ गया मेरे बच्चे, कैश बढ़ गया। और हाँ, जब पैसे आपके पास आएंगे तो आपको नाम देना होगा कि पैसे कहां से आए, यानी कि आपकी लायबिलिटी कहां से क्रिएट हुई, तो लायबिलिटी का नाम क्या है जी, बैंक लोन। तो आप यहां क्या करेंगे, बैंक से बैंक लोन इसको लिख देंगे, बैंक लोन है ना, नाम बताता बैंक का तो उसका नाम भी लिख सकता था, ऐसे बैंक लोन ठीक है, लोन कितने का 30 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का है ना। कैश आपका क्या है, एसेट्स है, और ये क्या है जी, लायबिलिटी है। आप समझ रहे हो ना, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी का मतलब क्या, जो हमारे पास आया है अगर ये ओनर देगा तो हम कैपिटल बोल देंगे, बाहर वाले देंगे ओनर को छोड़ के तो लायबिलिटी बोल देंगे। लायबिलिटी में नाम क्या है जी, बैंक लोन, तो उसका नाम लिख दिया। और सुनो ना अब एंट्री करना है, जरा बताओ एसेट्स का यहां पे इंक्रीज होना, एसेट्स का बढ़ना क्या किया जाएगा, डेबिट। और जरा बताओ बैंक लोन यानी कि लायबिलिटी का बढ़ना क्या किया जाएगा, क्रेडिट। लायबिलिटी का बढ़ना क्या किया जाएगा, क्रेडिट, तो ये एंट्री में क्रेडिट आपका हो जाएगा। अब इसको एंट्री में कन्वर्ट कीजिए, तो आपने क्या बोला, कैश बढ़ गया, कैश बढ़ गया, फिर बच्चे कैश को डेबिट कीजिए, कैश अकाउंट DR यानी कि डेबिटेड, और बैंक लोन आपका टू लायबिलिटी बढ़ना क्रेडिट होगा, आप लिखेंगे टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन आपका यहां पे क्रिएट हो गया, अमाउंट कितना मेरे बच्चे 30 लाख, और यहां पे 30 लाख लीजिए, हमारी एंट्रीज यहां पे कंप्लीट हो गई, कैश टू बैंक लोन अकाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर नहीं, ये ठीक है सर, ये ठीक है, और सर समझाओ ना सर, और समझाओ ना, लिखो ना फिर एग्जाम्पल नंबर 8 आपका, एग्जाम्पल नंबर 8 कहता है इस पर आपका फर्म Raised loan from Ram rupees 5 lakhs and same was deposited into bank। ध्यान से अब हम थोड़ा सा ज्यादा सोचना शुरू कर देंगे,
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे कि बहुत बहुत गहराई में जाकर सोचना होगा। जरा सुनो, फर्म ने एक लोन लिया है राम से 5 लाख रुपए। बताओ लोन लिया तो क्या आया हमारे पास? पैसा। लोन पैसा ही तो आएगा। मेरा एक दोस्त है राम, उससे मैंने 5 लाख का लोन लिया तो क्या मेरे पास आया? पैसा आया। कितना पैसा आया जी? 5 लाख। बताओ वो 5 लाख मेरे पास कैश पड़ा हुआ है कि बैंक में चला गया? बताओ जरा। कहते हैं कि या ऐसे कर दो, एंड इमीडिएटली, यहां जोड़ दो आप एक वर्ड इमीडिएटली, उसी वक्त। इमीडिएटली कहते हैं कि सेम वाज डिपोजिटेड इनटू बैंक, उस पैसे को हमने बैंक में जमा कर दिया। जो राम ने मुझे पैसा दिया था उस पैसे को हमने कहां जमा कर दिया? बैंक में। मेरे बताओ, मुझे जरा बताओ कि इस बार आपका जो बढ़ा है वो कैश बढ़ा कि बैंक बढ़ा? इसका अल्टीमेट इंपैक्ट बताओ। आप बताओ, पैसा आपके पास कैश के रूप में पड़ा हुआ है या फिर बैंक में है? सर बैंक में है। तो मेरा बैंक में रखा हुआ पैसा बढ़ जाएगा, प्लस करेंगे बैंक में कितना जी? 5 लाख, 5 लाख रुपए। जरा बताओ, यहां पे आपने लोन लिया है ना, मतलब राम हमारी लायबिलिटी है। बच्चे क्या नाम है? राम। तो कोई बात नहीं, आप यहां क्या करेंगे आप बताइए, आप क्या लिखना पसंद करेंगे? सर हम लिखेंगे लायबिलिटी बढ़ रहा है बच्चे, लोन फ्रॉम राम लिख दो, राम फ्लोन लिख दो, कुछ भी लिख दो, बट हाँ आपको लायबिलिटी दिखाना पड़ेगा 5 लाख रुपए। सॉरी मेरे बच्चे, ध्यान सुनना, यहाँ पे कुछ कैमरा हिलाने नहीं। आपका यहाँ पे जो बैंक बढ़ गया, हमारा एसेट्स है, बैंक हमारा एसेट्स है, और लोन फ्रॉम राम हमारा क्या है? लायबिलिटी है। आप नाम पे मत जाना, कुछ भी नाम लिख सकते हो, बस ये ध्यान रखना एसेट्स का बढ़ना हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। लायबिलिटी का बढ़ना हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो बोलो आपका एंट्री क्या बन जाएगा? अगर हमारा एसेट्स बढ़ा है बैंक, तो मेरे बच्चे जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को आप यहां पे बढ़ा देंगे कितने से? 5 लाख। और क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ी है तो आप क्या बोलेंगे जी? कौन सा नाम है? लोन फ्रॉम राम। तो लोन फ्रॉम राम डबल एंट्री सिस्टम में आपको बताना होता है कि जो 5 लाख आपके पास आए हैं बैंक में वो कहां से आए? तो राम से लोन लिया। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, आया क्या? पैसा आया बैंक में, बैंक में पैसा आ गया। कहां से आया? लोन फ्रॉम राम, डबल एंट्री। रीजन बताना पड़ेगा सबका कहां से आया मेरे बच्चे, ठीक है ना? तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, एक तो क्या आया क्या गया, दूसरा उसका रीजन बताओ, काम खत्म हो गया। ये भी पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, ये भी समझा दिया। आप देखो, आज तो हम लोग बहुत जबरदस्त मास्टर हो चुके हैं। आज तक, अभी तक हमारा एसेट्स का कमांड हो चुका, एक्सपेंस का हो चुका, कैपिटल का हो चुका, लायबिलिटी का, रेवेन्यू। अभी हमें आगे की बात करनी है। पहले आज हम 4 वर्ड को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको मिटा दूं? सर हाँ सर। मुझे पता नहीं क्यों मन कर रहा एक बहुत टफ एंट्री सोचने का, बहुत टफ एंट्री। देखते हैं वो एंट्री जो अब लिखने वाला हूं कि क्या वो हमें समझ में आ रहा है। एक बात मैं पहले बता दूं, अभी किसी बुक को आपको बीच में रेफर नहीं करना, किसी बुक को, जब तक कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट खत्म ना कर दूं मैं, तब तक किसी बुक को रेफर नहीं करना आपने। तो आप बस मुझ पे रिलाई कीजिए, जितनी बातें बता रहा हूं उतना ही अभी आपको समझना है, फिर तो दुनिया का कोई भी बुक उठाओ अपने आप सारी बातें बनेंगी, है ना। मैं अब आपको थोड़ा एक गंदा एंट्री दिखाता हूं, लिखी मेरे साथ यहां पे, एग्जाम्पल नंबर 9। अगला एग्जाम्पल कहता है आपका कि कैसे लिखूं, चलो मैं लिखता हूं। कहता है कि ओनर मजा नहीं आ रहा, ऐसे लिखते हैं। फर्म लिखी यहां पे, फर्म टुक, टुक रुपीज फाइव लैक्स लोन फ्रॉम राम एंड रुपीज टू लैक्स लोन फ्रॉम बैंक आपका। अरे फर्म ने क्या किया? 5 लाख का लोन लिया राम से एंड 2 लाख का लोन लिया बैंक से, ठीक है ना। बताओ जरा, ये 5 और 2 कितने रुपए हो गए? 7 लाख। बिजनेस में कैश कितने आए होंगे? 7 लाख।
तो मेरे बच्चे ये देखो, जब हमने लोन लिया तो एक तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा, कैश आपका बढ़ेगा कितने से जी, 7 लाख से, बिना किसी डाउट के, क्योंकि ये भी पैसा कैश आया होगा, ये भी पैसा कैश आया होगा, तो 5 + 2 कितना हो गया, 7 लाख का अमाउंट आपका, इतना हमारे पास आ गया। ये हमारा एसेट्स बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गया जी 7 लाख से। बताओ जरा, यहां देखो, यहां देखो 7 लाख रुपए कैश आ चुका है। आप बताओ ये 7 लाख जो कैश आ चुका है ये कहां से आया, कहां से आया? तो सर रीजन में आप कहना कि 5 लाख रुपए हमें किसने दिया है जी, राम ने दिया है, और 2 लाख रुपए हमने किससे लिया है, बैंक से। पर बच्चे यानी कि जब इसका रीजन रिकॉर्ड किया जाएगा तो आप कहोगे कि भैया लाइबिलिटी लोन फ्रॉम, क्या नाम है उसका, राम, राम से लोन हमने कितने का लिया है जी, 5 लाख का। मेरे बच्चे ये हमारी लाइबिलिटी है, हमारा ऑब्लिगेशन है, हमारा कर्ज है। लाइबिलिटी मतलब क्या, कर्ज जो हमें पे करना है, और साथ ही साथ हमने एक लोन लिया है, लोन फ्रॉम आपका बैंक, हमने बैंक से एक लोन लिया है कितने का जी, 2 लाख का। ये भी हमारा क्या है बच्चे, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है। अगर ओनर कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो हम उसको कैपिटल कहते हैं, बाकी कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो हम क्या कहेंगे, उसका लाइबिलिटी का नाम देंगे। क्लियर यहां तक सर? हाँ सर हाँ। आओ ना हम इसको एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। बताओ जरा एसेट्स का बढ़ना, ये देखो एसेट्स बढ़ रहा है, कैश आ रहा है, हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। देख रहे हो आप यहां पे, ये देखो एसेट्स का बढ़ना क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो आपका कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जरा बताओ, लाइबिलिटी भी बिजनेस में बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रहा है बच्चे, क्योंकि जब पैसा आएगा तो कर्ज भी तो आ गया। लाइबिलिटी बढ़ना क्या, क्रेडिट करेंगे, तो ये भी क्रेडिट होगा और ये भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे दोनों आपका। तो बताओ एंट्री क्या बनेगा, एंट्री क्या बनेगा, सुनो ध्यान से, कैश बढ़ गया तो एंट्री में आप यहां पे कैश अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिए। कितना कैश आ गया, 7 लाख का अमाउंट आपका, 7 लाख कैश आ गया। पर बच्चे 5 लाख के से ये लाइबिलिटी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ना क्रेडिट टू लोन, लोन फ्रॉम, फ्रॉम राम, कितना है आपका, 5 लाख रुपीज, ये हो गया। और लोन फ्रॉम बैंक, तो टू लोन फ्रॉम बैंक, आप बैंक लोन भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, बट लोन दिखाना है कि भैया लोन हमने लिया है, 2 लाख से ये भी बढ़ गया आपका, खत्म होगी बात। आपको अगर नाम लिखना है, अगर लगता है कि यार ये नाम मुझे ठीक नहीं लगता, तो आप इसके जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, राम्स लोन, राम्स लोन, राम से हमने क्या किया जी, लोन लिया है। और इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बैंक लोन, आपकी मर्जी है, नाम कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ता। आपको तो एंट्री करते समय ये सिर्फ समझना है कि आपका बढ़ना घटना जो होता है, हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेबिट क्रेडिट नाम यूज करते हैं, एसेट्स और एक्सपेंस के साथ डेबिट बढ़ना, घटना क्रेडिट। ठीक उल्टा, अगर वो कैपिटल लाइबिलिटी इनकम है तो बढ़ना क्रेडिट और घटना डेबिट कहा जाएगा। आई बात समझ में, बात समझ में आ गई सर? हाँ सर हाँ, ये तो बात सर समझ में आ गई मेरे बच्चे। फिर मैं आज क्लास को यहीं पे रोकूंगा, आज तक हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारा जो आपका एसेट्स है, एक्सपेंस है, कैपिटल लाइबिलिटी है, हम इन चारों पे बहुत हद तक मास्टरी कर चुके हैं, बहुत हद तक, पूरा नहीं, अभी तो बहुत सारे एंट्री सिखाऊंगा। एक बार एंट्री सीख गए पूरा, तो फिर तो दौड़ लगाना शुरू करेंगे अकाउंट्स के अंदर में, हार्डली कोई बच्चा आपको बीट कर सकता है अगर मेरी पूरी क्लास को तरीके से आपने फॉलो किया है। तो आपको यहां पे समझना है, रेवेन्यू का डिस्कशन में अगली क्लास में करूंगा कुछ वर्ड के साथ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जनरल एंट्री में जितनी सारी बातें मैंने आपको बताई पिछले 2-3 क्लास में, उसका प्रॉपर रिविजन करके ही आप क्लास में बैठेंगे, अगर सचमुच में आप सीरियस हैं लाइफ को लेकर, तो कि हमें कुछ आगे बढ़ना है। अगर आप और भी अच्छा है, कुछ बातें पहले की भूल चुके हैं मेरा, तो आप वीडियो को पीछे रिवाइंड करके आप दोबारा उसको रिवाइज कर लें, ये बहुत जरूरी है बच्चे। इसके आगे की बातें मैं आपसे आगे करूंगा। चलिए आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूं, अभी किसी बुक को टच नहीं करना आपने, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करूंगा विद कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू इन जनरल एंट्री। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।